हेलो एवरीवन, एनसीईआरटी की बुकों से आप लोग सभी परिचित हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं हमारे एग्जाम में। एनसीईआरटी शिक्षक भर्ती 2023 वैकेंसी आई है, काफी अच्छी। कोई परीक्षा नहीं होगी, ऑल स्टेट यहां पर अलाउ रहेंगे। सैलरी यहां पर जो है वो 30,000 तक आप लोगों को मिलने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं नोटिफिकेशन। बहुत ही जो है आसान काम जो है इसमें बताया गया है, तो एक एक करके सारी चीजें जो है वो हम कवर करेंगे। यहाँ पर जो है ये एडवर्टीजमेंट जो जारी की गई है, तो बिल्कुल 9 अक्टूबर 2023 को आया है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, तो नोटिफिकेशन जो आया है जिसमें बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि जिस भी जो है पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई करेंगे, जैसे बायोलॉजी के लिए आप लोग अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर काम क्या करना होगा। रिवीजन ऑफ सिलेबी एंड टेक्स्ट बुक इन साइंस एंड मैथमेटिक्स फॉर क्लासेस 6 to 12 इन द लाइट ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। ठीक है, यहाँ पर जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं 6 से 12 तक की, उनमें जो सिलेबस है, टेक्स्ट बुक है, तो उसमें जो है आप लोगों को काम जो दिया जाएगा वो संशोधन करना होगा। ठीक है, कोई भी मिस्टेक है, कोई भी करेक्शन है, ये सारी चीजें जो है यहाँ पर काम रहेगा। ठीक है, तो ज्यादा जो है कठिन काम नहीं है। कोई एग्जाम नहीं होगा। डेट ऑफ इंटरव्यू डायरेक्ट जो है वो डेट ऑफ इंटरव्यू की जो है रखी गई है, तो आप लोग अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है जा सकते हैं। जॉब लोकेशन जो है रहने वाली है दिल्ली। 17/10/2023, 17 अक्टूबर को जो है बायोलॉजी जिनके सब्जेक्ट रहा है, जिन्होंने मास्टर डिग्री किया है बॉटनी में, जूलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में, एग्रीकल्चर बॉटनी में, या फिर एनी रिलेटेड डिसिप्लिन विद मिनिमम 55% मार्क्स, या इसकी समकक्ष अगर जनरल कैटेगरी में 50% अंक या इक्विवेलेंट इन द केस ऑफ SC ST PH। अब यहाँ पर जो है मास्टर डिग्री के साथ में क्या चाहिए, 2 साल का जो है यहाँ पर एक्सपीरियंस होना चाहिए। किस किस में होना चाहिए, या आपने रिसर्च कोई इससे रिलेटेड कोई काम किया है इसका एक्सपीरियंस है, या फिर जो है आप लोगों को शिक्षण कार्य का, टीचिंग का एक्सपीरियंस है किसी भी पब्लिक स्कूल, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का, या फिर कंटेंट डेवलपमेंट का, या एनी अदर एकेडमिक एक्सपीरियंस इन साइंस या और रिलेवेंट एरिया। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो टीचिंग लाइन में जो है वो आप बिल्कुल तैयारी कर ही रहे हैं काफ़ी टाइम से। बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो जिनको एक्सपीरियंस है 5 साल का, 6 साल का, या यहाँ पर जो है वो केवल 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक है, तो आप लोगों का काम चल जाएगा अगर आपने मास्टर डिग्री किया है और आपके पास 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। उसके बाद जो है केमिस्ट्री सब्जेक्ट अगर आपने मास्टर डिग्री की है, तो 18/10 को जो है इंटरव्यू रहेगा, सेम वर्क रहेगा। 6 से 12 तक की जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं उसमें आप लोगों को जो है टेक्स्ट बुक्स में, सिलेबस में जो है वो संशोधन करने का काम जो है वो मिलेगा। तो यहां पर मास्टर डिग्री जो है केमिस्ट्री या फिर एनी रिलेटेड डिसिप्लिन विद 55% मार्क्स के साथ में जनरल कैटेगरी वालों को। ठीक है, और 2 साल का जो है वो टीचिंग में एक्सपीरियंस। टीचिंग में इसलिए कह रही हूं क्योंकि यहां पर जो है रिसर्च जो है वो हर कोई रिसर्च में जो है वो एक्सपीरियंस नहीं होता है हर स्टूडेंट्स के पास। ठीक है, टीचिंग में एक्सपीरियंस तो जो है मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास होता ही है। बाकी डिजायरेबल में हिंदी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी रहती है, कंप्यूटर की नॉलेज जो है वो मांगी जाती है। बट अगर नहीं है आप लोगों के पास तो भी काम चलेगा, क्योंकि एसेंशियल में यानी कंपल्सरी जो होनी चाहिए वो मास्टर डिग्री और 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। नेक्स्ट फिजिक्स है जिसका इंटरव्यू रहेगा 19/10/2023, और यहां पर जो है मास्टर डिग्री फिजिक्स या फिर इज एनी रिलेटेड डिसिप्लिन विद 55% मार्क्स और 2 साल का जो है टीचिंग एक्सपीरियंस है। उसके बाद जो है सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, और इनका इंटरव्यू की जो डेट रखी गई है वो 20 अक्टूबर रखी गई है। मास्टर डिग्री अगर आपने मैथ में या फिर मैथमेटिक्स एजुकेशन में, या फिर एनी रिलेटेड डिसिप्लिन विद मिनिमम 55% मार्क्स और 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर जो है साइंस और मैथ्स इन दोनों सब्जेक्ट के जो है मास्टर डिग्री के स्टूडेंट ही जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, बाकी जो सब्जेक्ट नहीं दिए गए हैं। और भी सब्जेक्ट अगर आते हैं तो बिल्कुल आप लोगों को बताया जाएगा। एज लिमिट जो है वो 40 साल तक यहाँ पर कही गई है, जिसमें 5 साल की छूट SC ST और फीमेल कैंडिडेट को दी जा रही है, 3 साल की छूट जो है वो OBC कैंडिडेट को। यहाँ पर जो है सैलरी आप लोगों को 30,000 पर मंथ मिलेगी। टाइम ऑफ इंटरव्यू का रहेगा 11 बजे आप लोगों को चले जाना है, और रजिस्ट्रेशन होगा उससे पहले, तो आप लोग जो है 9 बजे से पहले जो है वो पहुंच जाएं वहां पर, उसके बाद जो है एंट्री नहीं होगी। स्थान जो है वो क्या रहेगा इंटरव्यू का, तो आप लोगों को यहाँ पर चैम्बर ऑफ हेड DESM फर्स्ट फ्लोर जानकी अमलखंड NCERT श्री औरविंदो मार्ग न्यू दिल्ली। ठीक है, यहाँ पर जाना है। तो जॉब लोकेशन जो है वो दिल्ली है। ये जो है आपकी जो वैकेंसी है ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है। बिल्कुल यहाँ पर लिखा है रिवीजन ऑफ सिलेबी एंड टेक्स्ट बुक इन साइंस एंड मैथमेटिक्स फॉर क्लास 6 to 12 इन द लाइट ऑफ नेशनल करिकुलम
फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस थ्रू वॉक इन इंटरव्यू। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप लोग जो हैं, क्योंकि यहाँ पर जो काम अगर कर लेता है एनसीईआरटी में, और तो इसका जो है आप लोगों को पता है इसकी वैल्यू कितनी ज़्यादा है। ठीक है, फ्यूचर में जो है वो आपके बहुत काम आने वाला है ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आप लोग 1 साल या जितने भी टाइम तक जो है यहाँ पर आप वर्क करते हैं। तो अगर आप तुरंत जो है अर्न करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप लोगों को जाना चाहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।